तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर्स कंपेयर टू द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली द सिस्टम शुड ऑपरेट ऑन अ साइकिल। तो ऐसा होना चाहिए सिस्टम को कि वो साइकिल पे ऑपरेट करे, ले हीट फिर निकाल दे, फिर ले हीट फिर निकाले, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम केवल कर सकता है साइकिल। तो होता क्या है कि कैसे कर सकता है ये मेंटेन, कैसे कर सकता है? मेंटेन ही कर रहा है ना, तो मेंटेन कैसे किया जा सकता है कि जो सराउंडिंग से हीट वो ले रहा है सिस्टम वो तुरंत बाहर निकाल दे, उतना ही हीट बाहर निकाल दे तो हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सिस्टम का मेंटेन कर पाएंगे। तो हीट एंटरिंग फ्रॉम द सिस्टम सराउंडिंग नीड्स टू बी रिमूव्ड एंड सिंस इट शुड बी डन कंटिन्यूअसली टू मेंटेन सिस्टम टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, R11, R NH3, R12, R22, R134A, तो ये सारे रेफ्रिजरेंट्स हो गए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसको कहते हैं? जितनी हीट सराउंडिंग से ले रहा है उतनी हीट इसको निकालनी है, तो यही तो हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। ठीक, अब बात करते हैं पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस के लिए क्या होता है कि पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस के लिए हम लोग COP लिखते हैं, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा लेस देन वन होती है, लेकिन COP ग्रेटर देन वन भी आती है, लेस देन बी वन भी आती है। तो इस केस में कंफ्यूज ना होने के लिए हम लोग COP यूज करते हैं। तो ये लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम रेफ्रिजरेटर का है, जिसमें हायर टेम्परेचर सराउंडिंग जो है वो TH पे है और जो सिस्टम है वो TL पे है। तो जो इस सिस्टम से हीट निकालनी है वही तो हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो डिजायर्ड है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिजायर्ड है। और ये जो है ये साइकिल है, साइकिल वर्क ले रही है और फिर हीट निकाल दे रही है। तो डिजायर्ड इफेक्ट कितना है? डिजायर्ड इफेक्ट Q2 है। तो Q2 डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट क्यों लिखा गया है? क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वर्क में भी या फिर हीट में भी हो सकती है। जब हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन साइकिल में तो उसमें हम लोग पाएंगे कि एनर्जी, हीट एनर्जी भी एक एनर्जी टाइप ऑफ इनपुट एनर्जी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए डिजायर्ड एनर्जी इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट लिख दिए। इस केस में एनर्जी इनपुट क्या है? वर्क डन। तो वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, अब ऑल थ्री आर डिफरेंट केसेस। ये तीनों डिफरेंट केसेस हैं जिसमें 50 पाने के लिए, 50 रेफ्रिजरेशन पाने के लिए 10 वर्क करना पड़ रहा है, 10 यूनिट। यहाँ पे 50 पाने के लिए 50 वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पे 50 पाने के लिए 100 वर्क करना पड़ रहा है, 100 यूनिट का वर्क करना पड़ रहा है। तो ये लोअर और हायर टेम्परेचर सब में बराबर है, मतलब मेंटेन है कि तीनों मेंटेन है। तो जो 5 यूनिट पहले केस में, 5 यूनिट ये सब चीजें, मतलब 5 यूनिट हीट रिमूव करने के लिए 1 यूनिट वर्क यूज करना पड़ रहा है। तो अगर एक्स यूनिट किसी भी रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का COP एक्स है तो कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा? एक्स यूनिट कितना हीट रिमूव करेगी? 1 यूनिट ऑफ वर्क चाहिएगी एक्स एक्स यूनिट हीट रिमूव करने के लिए। जितना ज्यादा COP उतना ज्यादा कम पावर कंजम्प, उतना कम पावर कंजम्पशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ COP क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ COP यही है कि COP रिप्रेजेंट्स द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। ग्रेटर द COP लेसर इज द रनिंग कॉस्ट, देयरफॉर सिस्टम विल विद हायर COP प्रेफर किया जाता है। नोट, COP कैन बी ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन और लेस देन वन, ये तीनों केसेस होते हैं। विंडोज एयर कंडीशनिंग में हम लोग पाते हैं कि 3 है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में 1 पाते हैं और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम लोग पाते हैं कि COP स्मॉलर देन 1 भी आ रही है। तो ये सारे तीन कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग पाते हैं COP, डिफरेंट डिफरेंट COPs पाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कि यूनिट क्या है रेफ्रिजरेशन का। टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो डिफाइन होता है कि 1 अमेरिकन टन से, जो कि वो 2000 LBS है, जो कि 907 kg के बराबर है, वाटर के बराबर है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। अब उसमें से कितनी हीट निकाली जाए कि वो आइस बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे एक दिन में, समय भी निर्धारित है कि 24 घंटा। तो वही है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो Q/R 24 R है। देयरफॉर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर रेट बट नॉट मास, मास नहीं है। ठीक है, अब देखो 907 kg, 1 टन ऑफ ऑफ H2O 0 डिग्री सेल्सियस हीट निकली और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
टाइम टेकन कितना है, 24 घंटा, ये पता है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 24 आवर्स। अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया सेकेंड्स में, और क्यू जो है वो लेटेंट हीट ही तो है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही तो लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा दिया गया है। अब देखते हैं, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन डिफरेंट यूनिट्स में कितना है, 3.5 किलोवाट है, या फिर 210 किलो जूल पर मिनट है, या फिर 50 किलो कैलोरी पर मिनट है। ठीक, इसी को तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये आ गया है 3.5 को, तो 210, तो ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस ये 50 जो है वो याद करने वाली चीज़ है, 50 जो आता है आ रहा है वो याद करने वाली चीज़ है, बाकी तो याद करने वाली चीज़ है नहीं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफ इट वॉज कैलकुलेटेड विद 1 ब्रिटिश टन, देन अकॉर्डिंग टू इट इट वुड हैव 3.8, मतलब ब्रिटिश टन जो होता है 1000 kg होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, एज वी नो दैट रेफ्रिजरेंट इज फॉलो गोइंग टू फ्लो, सो कुछ ना कुछ तो मास फ्लो रेट होगा ही रेफ्रिजरेंट का, तो हम लोग मान लेते हैं कि मास फ्लो रेट एम डॉट है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जहाँ पे किलो जूल पर केजी में आ रहा था, वहीं पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी किस में आएगा, किलो जूल पर सेकेंड में आएगा, जो कि किलो वॉट है। अब जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और आरसी जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है उसको कभी कभी क्वेश्चंस में किलो जूल पर केजी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को किलो जूल पर सेकेंड के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग जो अभी पढ़े हैं वही मानेंगे, हम लोग अगर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और दे रहा है यूनिट किलो जूल पर सेकेंड में, तो हम लोग सॉल्व करते समय रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ही उसको बोलेंगे, ना कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये बात हो गई। अब पावर इनपुट टू द कंप्रेसर कितना है, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर पी इन, तो मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट। अब ठीक है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एम डॉट से ऊपर नीचे, तो आर सी अपॉन पी इन आ गया। अब सीओपी कैलकुलेट करते हुए हम लोग वर्क इनपुट किसका देखते हैं, कंप्रेसर को दिया जा रहा है, टू कंप्रेसर को दिया जा रहा है वर्क इनपुट ना, हम लोग यहाँ पे बात किसकी करते हैं, कंप्रेसर की। लेकिन एक्चुअल केस में क्या हो गया, मतलब अगर सीओपी डिफाइन किया इतना कैसे किया गया है, रेफ्रिजरेशन अपॉन वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, लेकिन एक्चुअली में हम लोग मोटर को वर्क इनपुट देते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, तो जो देते हैं वो कंप्रेसर को देते हैं, तो थोड़ा गलत लगता है कि क्योंकि सीओपी ऐसे रिप्रेजेंट लिखना गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो होता है वो होता है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट टू द मोटर। तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट टू द मोटर है। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो, मतलब ईटा कंप्रेसर कितना होता है, पावर कंप्रेसर अपॉन मोटर का कंप्रेसर, मोटर का पावर, या फिर वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर अपॉन वर्क इनपुट टू द मोटर, तो इतना ही तो होगा ईटा कंप्रेसर, कंप्रेसर एफिशिएंसी। अब अगर एफिशिएंसी दी नहीं हुई है तो 100% लेंगे या फिर 1 लेंगे, और सीओपी उस केस में ईआर के बराबर आ जाएगा। और फिर जो लोअर टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेटर टेम्परेचर कहते हैं, और हायर को क्या कहते हैं, कंडेंसर टेम्परेचर कहते हैं। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, तो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल जो कि दो टेम्परेचर के बीच में काम करती है। अब सीओपी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो सीओपी रेफ्रिजरेशन रिवर्सिबल कार्नोट इज इक्वल टू सीओपी आइडियल मैक्स, वही बोला गया है, तो इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो वर्क इनपुट अपॉन क्यू इन है ना, वर्क इनपुट अपॉन क्यू इन, वर्क इनपुट अपॉन डब्ल्यू इन है, सॉरी सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, इसकी एरिया है, नीचे वाले की एरिया, स्टोरेज के पास जो एरिया बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा, टी लोअर इंटू दिस माइनस दिस डेल्टा एस, ये हो गई बात। और क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन सॉरी डब्ल्यू इन कितना होगा, इसकी एरिया हो जाएगी डब्ल्यू इन, क्यों, क्योंकि साइकिल के लिए जो डब्ल्यू नेट होता है, क्यू नेट होता है, वो डब्ल्यू नेट के बराबर होता है, क्लोज्ड एरिया। अब क्यू नेट का एरिया ये इसी के बराबर होगा, तो डब्ल्यू इन इज इक्वल टू, इस केस में डब्ल्यू नेट होता है, डब्ल्यू आउट तो होता नहीं है, तो क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इन। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को टी एच माइनस टी एल इंटू डेल्टा एस। यहाँ पे सीओपी आइडियल कितना हो गया, लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस ऑफ लोअर एंड हायर टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर आर इन केल्विन। नोट क्या है,
कार्नोट साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि पावर प्रोड्यूस करने वाली साइकिल है, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। फॉर अ साइकिल टू बी रिवर्सिबल ईच एंड एवरी प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल एल्स इररिवर्सिबल साइकिल। इफ पीवी प्लॉट क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज है देन दी टीएस प्लॉट भी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा रेस्पेक्टिवली, मतलब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैनॉट बी सेड अबाउट एनीथिंग अबाउट अदर प्लॉट्स। ठीक है, सही बात है। अब देखते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, तो सिंपल स्टैंडर्ड सैचुरेटेड वेपर साइकिल। तो सिंपल सैचुरेटेड स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट्स जो है वो सारे किस पे है, डोम पे लाई करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो दोनों डोम पे लाई करता है, इसीलिए हम लोग इस केस में सिंपल सैचुरेटेड स्टैंडर्ड वेपर साइकिल कहते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो पहला जो 1 to 2 है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट हो रही है बाहर की तरफ, हीट रिजेक्ट हो रही है। फिर क्या होता है, फिर होता है आइसेंट्रोपिक, जिसमें आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट एक्सपेंशन, इसको थ्रॉटलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे डॉटेड इसलिए शो किया गया है क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है, थ्रॉटलिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्यों डॉटेड लाइन नहीं शो किया गया, क्योंकि एच कांस्टेंट है ना, और ये जो वाई एक्स एक्सिस है वो एच है, तो इस केस में एच कांस्टेंट है, भले वो इरिवर्सिबल है वो तो ठीक है इरिवर्सिबल है, लेकिन एच कांस्टेंट है ना तो हम लोग को पता नहीं है, इस केस में पाथ नहीं पता थी इसलिए डॉटेड लिखे थे। यहाँ पे तो पाथ पता है तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन भले ही वो इरिवर्सिबल ही है। 4 to 1 तो ये स्टोरेज से हीट ले रही है, 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। 3 to 4 क्या है, 3 to 4 वही बताया है कि डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा एच जीरो है। अब डेल्टा एच जीरो है तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा क्यू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। डेल्टा एस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो इस दिस इंप्लाइज दैट डीएस यूनिवर्स, यूनिवर्स का डेल्टा एस हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। अब एच एस प्लॉट जो कि मोलियर डायग्राम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि 1 to 2 जो है वो तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक में एस कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे ये कर्व होगा, ये वाला चीज कर्व होगा, यहाँ पे ये लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, एच कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, फिर ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि डोम के अंदर जो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसका स्लोप कॉन्स्टेंट होता है। हाँ ये बात अलग है कि जो स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप सेम नहीं होता है, स्लोप कांस्टेंट मतलब इसका स्लोप अलग होगा इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप अलग होगा। ये हो गया एचएस प्लॉट। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं, बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं वीसी साइकिल में। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग और एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर हो गया। अब जो इवेपोरेटर है हीट एब्जॉर्ब करता है, क्यू रिजेक्ट, कंडेंसर हीट रिजेक्ट करता है, वर्क इनपुट दिया जाता है कंप्रेसर को, ठीक है, स्टोरेज लगा रहता है इवेपोरेटर के बगल में, तो ये सब चीजें हैं। अब आते हैं नोट पे, तो पीएच कर्व 1 से 2 जो है वो क्या कर रहा है, वर्क इनपुट है, तो एच इंक्रीज करेगा, एच इंक्रीज करेगा यानी कि पी इंक्रीज करेगा। यहां से यहां तो क्यों पी इंक्रीज किया, ये कहने का मतलब है एच इंक्रीज कर रहा है तो पी और पी भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एच इंक्रीज कर रहा है, ये बात हो गई। थ्रॉटलिंग ऑलवेज ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर के डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग प्रेशर के डायरेक्शन में थ्रॉटलिंग होती है। थ्रॉटलिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इररिवर्सिबल होता है, क्यू जीरो होता है, वर्क जीरो होता है, एच कांस्टेंट होता है यानी कि आइसेंथैल्पिक होता है, टीएस कर्व पीएच 3 से 4 ईच एंड एवरी पॉइंट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग सो लाइन डॉटेड लाइन, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, आइसेंथैल्पिक एच कांस्टेंट में क्या है कि डेल क्यू टेंडिंग टू जीरो है यानी कि डीएस ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो डीएस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। अब सम्मेशन करेंगे ना डीएस यूनिवर्स का, डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग इक्वल ग्रेटर देन जीरो। अब हीट तो रिलीज हो नहीं रही है सराउंडिंग में, तो क्यू डीएस सराउंडिंग जीरो है तो डीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब पीएच कर्व 3 से 4 तो यही बात है कही गई है कि जो हमने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वही बात कही गई है। अब आते हैं हम लोग छठे पॉइंट पे, छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इन वीसी सिस्टम वर्क ट्रांसफर ऑकर्स इन ओनली वन डिवाइस विच इज कंप्रेसर, ऑब्वियस बात है।
Vapor compression cycle is an irreversible cycle because this process, this cycle consists of throttling process, which is irreversible process. HS plot mein kya baat hai? Ki in throttling, entropy increases since irreversible, enthalpy constant. So towards right, baat sahi hai. Reason of using throttling, isenthalpic instead of isentropic expansion. We know that work is in case of reversible steady flow open system is open system ke case mein minus VDP integral minus integral. VDP होता है तो थ्रॉटलिंग के केस में अच्छा ठीक है अभी थ्रॉटलिंग के ये अभी ओपन सिस्टम ठीक है अभी ओपन सिस्टम ही हो रहा है ना ओपन सिस्टम में ही काम हो रही है तो थ्रॉटलिंग के केस में वर्क जीरो होता है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो लॉसेस होते हैं ठीक है. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर में फायदा होने वाला है क्यों फायदा होने वाला है क्योंकि वर्क आउटपुट मिलने वाला है वर्क आउटपुट कुछ वैल्यू मिलेगी ठीक और रिवर्सिबल होगा तो नो लॉसेस होंगे ठीक है फायदा तो मिलने वाला है लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इस केस में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो इसमें न्यू है ना इसमें जो न्यू है वो बहुत छोटा है क्यों क्योंकि जो एग्जिट है यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो वाटर है वाटर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होने की वजह से वैल्यू बहुत कम आएगी मतलब अगर वर्क इनपुट 50 है तो वर्क आउटपुट 5 आएगा तो ये भी फायदा नहीं है और अगर रियल केस में देखा जाए तो कुछ लॉसेज होंगे तो जो 3 मिल 5 मिल रहा था उसमें भी कम हो जाएगा 3 मिल होने मिलने लगेगा लॉसेज अगर काउंट करने लिए लगा जाए तो अगर रियल सेंस में देखा जाए तो इसीलिए हम लोग नहीं यूज करते हैं क्यों नहीं यूज करते हैं वो देखते हैं क्यों नहीं यूज करते हैं बट देन ऑल्सो वी यूज थ्रॉटलिंग वॉल्व वाई फ्रॉम कंडेंसर लिक्विड कम्स फ्रॉम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड न्यू इज वेरी लेस दैट्स वाई व्हेन लिक्विड एक्सपेंड्स इन एक्सपेंडर वी गेट very less work and over that this work is when it is reversible hoga tab itna milega lekin actual case mein kya hoga wo bhi kam hi milega utne usse bhi kam milega problem kya aa jati hai cost of expander is much greater than cost of throttling valve expander has movable part wear and tear hoga ab cost of maintenance badhega to yahi ek main karan hota hai cost isi ki wajah se हालांकि दोनों का वेट सेम होता है वेट के टर्म्स में हम लोग नहीं अलग करते हैं इसको एनालिसिस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल तो वेपर कंप्रेशन साइकिल के एनालिसिस में ये सारे हमको पता है कि कौन कौन से एंट्री ऑफ एग्जिट ये बाकी सब चीजें हैं क्या थ्रॉटलिंग वॉल्व है ये सब पता है हमको अब अजम्पशंस क्या है कि ईच डिवाइस इज ट्रीटेड एज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस सारे के सारे डिवाइसेज जो हैं वो स्टेडी फ्लो डिवाइसेज ट्रीट किए जा रहे हैं अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर निग्लेक्टेड इसका ये मतलब है कि इनपुट और एग्जिट के समय इनपुट इन हुआ एग्जिट हुआ इन हुआ एग्जिट हुआ इन हुआ एग्जिट हुआ इन हुआ एग्जिट हुआ इस पे चेंजेस जो आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वो निग्लेक्ट किए गए हैं अब तीसरी बात क्या है तीसरा एजम्पशन ये है कि पोटेंशियल ये कंप्रेशन जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक अज्यूम किया गया है कंप्रेशन जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक रीजन अज्यूम किया गया है ये तीनों एजम्पशन हो गए प्रोसेस 1 से 2 स्टार्ट करते हैं तो ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक डिवाइस है जो कि कंप्रेशन में हो रहा है कंप्रेसर है अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ये आया वेलोसिटी तो जीरो वेलोसिटी क्या है सॉरी वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी सेम है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निग्लेक्ट करने हैं क्यू जीरो है क्योंकि एडियाबेटिक है तो H1+W तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव होता है ना वर्क कंप्रेसर मतलब हम लोग इन दे रहे हैं ना तो -W वर्क कंप्रेसर होगा तो यहाँ से H2-H1 आ गया ठीक बात ये हो गई अब अगला देखते हैं क्या है अगला जो है वो है प्रोसेस 2 से 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और ये कहाँ पे हो रहा है कंडेंसर में हो रहा है SFWE लगाते हैं तो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे इस केस में W जीरो हो जाता है क्योंकि वर्क निकालने के लिए कोई भी टरबाइन नहीं लगा हुआ है ना कंडेंसर में तो वर्क जीरो हो जाता है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल टू क्योंकि क्यू रिजेक्शन कितना होगा माइनस क्यू होगा ना ये क्यू आया अब क्यू माइनस क्यू क्योंकि रिजेक्ट नेगेटिव है तो माइनस क्यू आएगा तो क्यू रिजेक्शन हो जाएगा H2-H3 अब आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन जो कि थ्रॉटलिंग वॉल्व में हो रहा है वहां पे भी SFWE लगाते हैं SFWE लगाए तो अभी तक हम लोगों ने निग्लेक्ट किया हुआ है तो अभी भी निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि Q जो होता है वो जीरो होता है W भी जीरो होता है तो यहाँ पे H3=H4 है यहाँ पे भी प्रूव हो गया कि H3=H4 है यानी कि आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन हो रही है अब बात ये आती है कि हम लोगों ने ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हम लोगों ने SFWE लगा कैसे लिया तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई SFWE का लिमिटेशन नहीं है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं लगाया जा सकता है बिल्कुल लगाया जा सकता है
एसएफ डबल ई का के ये जरूरी एसएफ डब्ल्यू कैन बी अप्लाई टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली रिक्वायरमेंट इज स्टडी फ्लो डिवाइस होना चाहिए। स्टडी फ्लो डिवाइस पे ही ये लगाया जा सकता है। अब स्टडी फ्लो डिवाइस तो हम लोगों ने माना है ना थ्रॉटल वाल्व को, तो बस लगा सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ठीक है, बात आती है इसका प्रोसेस 4 से 1 तक, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो कि इवेपोरेटर में हो रहा है। अब एस एफ डब्ल्यू लगाए, वेलोसिटी और ही जो हेड्स हैं, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड, वो सब कैंसिल कर दिए गए। अब यहाँ पे जो इवेपोरेटर है उसमें वर्क निकाल नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगाया है, तो ये कहाँ क्यू एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, H3 - H4। यही तो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि इवेपोरेटर में जो हीट आती है वही तो होती है स्टोरेज से हीट आने वाली, वही तो चाहिए हम लोग को, तो वही तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ठीक, और वो किलोग्राम पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, वो ठीक है। सीओपी कितना होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो है H1 - H4 और वर्क इनपुट H2 - H1, तो नेटवर्क और वर्क कंप्रेशर कह लो। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एम डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एन क्या हो जाएगा, एम डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट, वी कांट राइट एच एस सी पी टी, यहाँ पे जो हम लोगों ने एच लिखा हुआ है यहाँ पे एच 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 ये सब चीजें हैं, वो क्यों नहीं हम लोग सीपीटी लिख दे रहे हैं, क्योंकि सीपीटी तब लिख सकते या तो वो आइडियल होता, ठीक है, या तो प्रेशर कांस्टेंट होता। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होता तब ये नहीं होना था कि वो फेज चेंज कर रह सकता है। फेज चेंज ना करे और तब प्रेशर कांस्टेंट रहे तब हम लोग सीपीटी लिख सकते हैं किसी भी के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये कि आइडियल हो तो किसी भी स्टेट कंडीशन पे हम लोग सीपीटी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इस केस में नहीं लिख सकते क्योंकि जो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है वहां पे फेज चेंज हो रहा है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ पे प्रेशर नहीं जहाँ पे प्रेशर नहीं कांस्टेंट है और कहाँ जहाँ पे भी है वहां पे प्योर सब्सटेंस है, ना कि आइडियल गैस। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितना होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो वॉल्यूम एक्चुअल अपॉन वॉल्यूम स्ट्रोक, ये होता है सांस लेने का कैपेसिटी, सांस लेने की क्षमता, ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसर ओनली एंड दिस प्लॉट हैज नथिंग टू डू विद वेसी साइकिल, मतलब इसका प्लॉट ए बी सी डी इससे कंप्रेसर वाले 1 2 3 4 से मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे P1 से P2 ले जा रहे थे ना, कंप्रेसर लगा हुआ था यहाँ पे, कंप्रेसर लगा हुआ था, तो P1 इवेपोरेटर प्रेशर है और P2 क्या है, कंडेंसर प्रेशर है, तो वहां से ले जाएंगे तो यही प्रेशर होता है। तो ये वाला P2 और P1 वो इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर से। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन हुआ, उसका इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन कितना है, एन सी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुला, अब देखते हैं यहाँ पे स्टेट है, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे एग्जॉस्ट वाल्व खुला, एग्जॉस्ट वाल्व खुला तो कहाँ गया फ्लूइड, किस में एंटर हुआ, वो गया किस में क्या होगा फ्लूइड, अरे सॉरी कंप्रेसर में, क्या कंडेंसर में क्या होगा, जो भी फ्लूइड है या फिर जो भी रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर में क्या होगा। अब कंडेंसर में क्या होगा, तो कंडेंसर में गया 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 गया, डिस्चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ, ये जो पिस्टन है यहाँ से यहाँ पे आया, कंप्रेसर में जो पिस्टन है ठीक यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर जो है यहाँ पे रुक गया, मतलब डिस्चार्ज अब नहीं जा रहा है कंडेंसर में, अब नहीं जा रहा है। अब क्या करना है, इसको इवेपोरेटर में से लेना है क्या, ये रेफ्रिजरेंट को, लेकिन इसकी प्रेशर इतना हाई है इसके अंदर प्रेशर, कि ये प्रेशर जो है इवेपोरेटर नहीं छ इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन है, वैसे ही कम है, और ये अगर हम लोग ये इनलेट वाल्व खोलते हैं तो उल्टा चीज होने लगेगी, इधर से इधर जाने लगेगा, लेकिन इवेपोरेटर के अंदर से जो लेना है उसको, तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो फिर प्रेशर यहाँ से यहाँ ले आते हैं, मतलब यहाँ पे पिस्टन लाते हैं, यानी कि यहाँ पे लाते हैं पिस्टन, मतलब प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर किसके बराबर कर रहे हैं, इवेपोरेटर प्रेशर के बराबर कर रहे हैं, और फिर सक्शन होता है, फिर यहाँ से खींचता है इवेपोरेटर में से कंप्रेसर और यहाँ पे लाता है, तो ये भर लेता है अपना पेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सक्शन कितने वॉल्यूम के लिए हो रहा है, इतने ही वॉल्यूम के लिए हो रहा है ना, तो वी एक्चुअल कितना हो गया, वी ए वी एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में क्या था, वी ए माइनस वी डी था, वी ए, अच्छा एक्चुअल यही है, वी ए माइनस वी डी है, वी ए और वी डी का डिफरेंस है वी एक्चुअल, और वी स्ट्रोक कितना है, वी स्ट्रोक कितना है, इतना यहाँ से यहाँ तक, वी सी माइनस वी ए। ठीक, ये बात हो गई इसकी। इसको इरेज कर देते हैं, तो क्लियरेंस रेशियो
क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम हमको पता ही है सी कितना होगा, क्लियरेंस कितना है वीसी है, और पिछले पेज पे देखें वी ए माइनस वी सी। अब ईटा वॉल्यूमेट्रिक कितना होगा, वी एक्चुअल अपॉन वी सक्शन। तो ये सारे कैलकुलेशन लगाए गए हैं और फाइनली जो आया है वो आया है यहाँ पे वी डी अपॉन वी सी की जगह हम लोगों ने क्या किया है, ये यूज कर लिया है वन अपॉन एनी। क्या है एनी, क्या है एनी, है इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन है। तो पी सी अपॉन पी डी वो अप टू द पावर वन अपॉन एनी लिख दिया गया है। तो पी सी कंडेंसर प्रेशर है और पी डी, पी सी कंडेंसर प्रेशर है और पी डी क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर है पी टू और पी वन। तो वो तो था ही पहले ही हम बता दिए थे। तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक फाइनली कितना आया, वन प्लस सी माइनस सी और ब्रैकेट में पी टू अपॉन पी वन टू द पावर वन अपॉन एनी, ठीक, इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन हो गया एनी। अब अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है तो इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन और इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन दोनों बराबर लेंगे हम लोग। एम डॉट क्या है, अब ईटा वॉल्यूमेट्रिक एक फॉर्मूला तो ये हो गया वन प्लस सी माइनस सी पी टू माई पी वन टू द पावर वन अपॉन एनी। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कि मास फ्लो रेट जो दिया हुआ है एंटर कर रहा है टोटल, मतलब कितना चल रहा है रेफ सिस्टम में, वो है एम डॉट, और न्यू वन जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम कंप्रेसर इनलेट पे है, ठीक। तो कितना जाएगा वॉल्यूम, एम डॉट और ये वन अपॉन न्यू, न्यू तो क्या होता है वन अपॉन डी होता है, डेंसिटी होता है। तो एम अपॉन डी कितना हो गया, वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम एक्चुअल कितना हो गया, एम डॉट न्यू वन, ये हो गया कि अंदर कितना जा रहा है, उतना ही जा रहा होगा वी डॉट एक्चुअल। अब अपॉन वी एक्चुअल अपॉन वी स्ट्रोक होता है, अब पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल जो हो गया वो स्ट्रोक लेंथ है एल, तो स्ट्रोक हो गया। अब एक सेकेंड में जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक ही स्ट्रोक ले, कितना स्ट्रोक लेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, जितना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगा उतना ही स्ट्रोक होगा, कि इतनी बार ये वॉल्यूम कवर करेगा। तो इतना स्ट्रोक हो गया एन बाई सिक्सटी, और के जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही सिलेंडर हो उसमें, कई सिलेंडर हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सिलेंडर के हो गए, ठीक है। आरपीएम अगर ये एम डॉट जो है वो केजी पर मिनट में है तो आरपीएम आरपीएम हो जाएगा, या फिर केजी पर सेकेंड में है तो ये आरपीएस कहलाएंगे लेंगे, मतलब डिपेंड करेगा कि एन बाई सिक्सटी होगा कि एन होगा, ठीक। ये बात हो गई। अब डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट कैसे यूज किया जाता है, तो रेफ्रिजरेंट जो है जनरल रेफ्रिजरेंट उसको सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तीन तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू। तो रेफ्रिजरेंट जो है उनका डेजिग्नेशन ऐसे किया जाता है आर एम माइनस वन एन प्लस वन पी, और जहाँ पे हम सैचुरेटेड है ना तो होता है फॉर्मूला इसका टू एम प्लस टू, जो होता है एम जो कार्बन है वो जो होगा टू एम प्लस टू करेंगे तो इन समेशन के बराबर होगा एन प्लस पी प्लस क्यू होगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दो तीन एग्जाम्पल्स का देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा ये वाला तरीका। सी एल यहाँ पे वन है ना, और सी एम वन है, एम यहाँ पे वन है और सी एल टू है, तो टू है इसका मतलब सी एम एच एन सी एल एफ पी सी एल क्यू था ना, तो क्यू टू हो गया, तो क्यू टू हो गया, और एफ क्या था सी एम एच एन एफ पी पी है तो पी टू हो गया। तो यहाँ पे एन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से सारे फॉर्मूलाज लगा के और हम लोग एम एन पी लगा लेंगे और इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे एम क्या आया है, एम आया है वन, तो एम जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जीरो हो गया है। एन क्या आया है यहाँ पे, यहाँ पे एन आया है टू, तो टू नहीं वन आया है, तो वन प्लस वन टू हो, नहीं जीरो आया, सॉरी जीरो आया, एन जो है वो जीरो आया तो वन हो गया, और पी जो है टू आया तो टू हो गया, ठीक है। ऐसे ही सब ये फॉर्मूलेज हो जाएंगे, ये याद रखने वाली बात है, ये तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं आर ट्वेंटी टू, आर ट्वेंटी टू भी वैसे ही निकाल लेंगे, आर वन थर्टी फोर भी ऐसे ही निकाल लेंगे, और आर वन थर्टी फोर देर आर नो नोट, ये है कि आर ट्वेंटी फोर में आर वन थर्टी फोर है जिसमें क्लोरीन एटम्स नहीं होते हैं, बाकी में ये सारे जो है उनमें होते हैं, और ये जो है इसमें फ्लोरीन केवल होता है, ठीक, आर वन थर्टी फोर। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में जो जनरल फॉर्मूला होता है सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक वन एडिशनल ऐड हो जाता है अनसैचुरेटेड में।
और जो फॉर्मूला बचता है वो क्या होता है, एम जितना होगा, कार्बन जितना होगा उसका दुगना जो होगा, वो जो होगा उसका समेशन जो होगा एम एन पी क्यू के समेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1000 प्लस ही होंगे अनसेचुरेटेड, क्योंकि वन ऑलरेडी ऐड कर दिए और तीन डिजिट यहाँ से आने वाले हैं, 1 2 3, तो तीन डिजिट यहाँ से आने वाले हैं, तो 1000 प्लस होगा। और ये थ्री डिजिट वाले होंगे सेचुरेटेड वाले, अगर टू डिजिट हैं तो उसके पहले एक जीरो लगाना जरूरी है, बाद में जीरो नहीं पहले जीरो, मतलब आर जो आया था 1 2 आया था शायद, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2, ठीक। तो ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं 700 प्लस मॉलिकुलर वेट कहलाते हैं, आर फिर 700 प्लस मॉलिकुलर वेट, मतलब अमोनिया है तो 17 है उसका मॉलिकुलर वेट, तो उसका जो इनऑर्गेनिक जो फॉर्मूला हो जाएगा R17 हो जाएगा, R1717 हो जाएगा ये, ठीक। ये भी याद करने वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं, एजियोट्रॉप्स की, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स का जो फॉर्मूला होता है वो 500 प्लस होता है, 500 से शुरू होता है। अब एक मिक्सचर ऐसा है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मिक्सचर है, जो कि R502 को कहा जाता है। मिक्सचर किसका है, R22 का है और R115 का है, R22 का है और R115 का है, 115 और 22 का है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाए जाते हैं, यानी कि फ्रियॉन्स कहते हैं अमेरिका और इंडिया में, ट्रेड नेम है इनका, और जेनिट्रॉन्स कहते हैं जर्मनी में। R502 इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 115 और 22 का मिक्सचर है, ये याद करना ज्यादा जरूरी है। यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर इन वीसी साइकिल, तो फ्लैश चैम्बर क्यों यूज करते हैं वीसी साइकिल में, तो थ्रॉटलिंग वॉल्व के बाद जस्ट बाद क्या होता है, थ्रॉटलिंग वॉल्व के जस्ट बाद क्या होता है, यहाँ पे चार पे हमको मिलता क्या है कि हम लोगों को वेपर रहता है काफी हद तक, वेपर रहता है काफी हद तक, क्योंकि ये ड्राई वो है ना, वेट जोन है ना, तो वेट जोन में क्या होता है, वेपर भी रहता है लिक्विड भी रहता है। अब वेपर जो वेपर बन चुका है वो तो हीट लेगा नहीं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट शो करेगा नहीं, तो वेपर को हम लोग निकाल के डायरेक्टली इवेपोरेटर के बाद लगाते हैं, और वेपर अपना, और ऐसा थर्मोडाइनमिक चेंजेस कोई आते नहीं है और अपना काम होता रहता है, तो जगह भी कम लेता है, अगर वेपर रहता तो इवेपोरेटर का साइज बड़ा करना रहता, इसलिए फायदा इसी में है कि लिक्विड पार्ट जो है, जो कि हीट लेने वाला है रेफ्रिजरेशन से, रेफ्रिजरेंट इफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कुछ समय एडिशन करने वाला है उसको भेजा जाए, ना कि ऐसा चीज जो कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि वेपर बन चुका है अब तो वो हीट लेगा नहीं, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी तो प्रोसेस है, तो वो हीट लेने वाला है नहीं ये कह सकते हैं। तो वेपर टू स्टोरेज से हीट लेगा नहीं, एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो करना है लिक्विड करेगा, जो करना है लिक्विड करेगा एब्जॉर्ब। हम अगर वेपर निकाल लेंगे तो भी कोई थर्मोडाइनमिक चेंज आएगा नहीं, सो इट इज इजिली मूव आउट विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंट क्या लिखा है। द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द वेपोरेटर एट पॉइंट फोर, द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इन वेट रीजन, इट इज लिक्विड रेफ्रिजरेंट विच ऑब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस बट नॉट द वेपर रेफ्रिजरेंट, देयरफॉर फ्लैश चैम्बर इज यूज्ड बिफोर द वेपोरेटर एंड दिस फ्लैश चैम्बर सेपरेट्स वेपर रेफ्रिजरेंट्स फ्रॉम लिक्विड रेफ्रिजरेंट्स, बाई डूइंग दिस साइज ऑफ इवेपोरेटर इज रिड्यूस्ड बिकॉज इफ वेपर वॉज अलाउड इट वुड हैव ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस, देर इज नो चांस चेंज वेन फ्लैश चैम्बर इज यूज थर्मोडाइनमिकली, कोई चेंज नहीं आता, सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वर्क इनपुट रिमेन्स सेम, सब सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक। अब ये सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। अब ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इन टर्म्स ऑफ अपर एंड लोअर टेम्परेचर लिमिट, ये सारी चीजें की गई हैं, और यहाँ पे क्या किया गया है जनरल तरीका हम बता दे रहे हैं। ईटा वॉल्यूमेट्रिक निकाला गया है, ईटा वॉल्यूमेट्रिक निकालने के बाद खुद ट्राई करने वाली चीज है ये। ईटा वॉल्यूमेट्रिक निकालने के बाद दो तरीके से, एक दो फॉर्मूले हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया गया है फिर, ठीक है, दोनों को इक्वेट करके कुछ निकाला गया, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना आया है वो निकाला गया, तो ये सारी बातें हो गई खत्म।
ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें ये दोनों फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है कि कंप्रेसर जो है वो चेंज किया नहीं गया है, कंप्रेसर चेंज किया नहीं गया है। इसका ये मतलब है कि सी एन और वी एस ये सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, सेम रहने वाली है, मतलब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट रेट जो है पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल एन जो है वो सेम रहने वाला है इस दोनों के केस में। तो यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं इसका कंटेंट, यही कंटेंट ही है इसका, मतलब आर सी वन दिया हुआ है 10 TR, तो आर सी टू पूछ रहा है। तो ये पॉइंट है जो कि यूज करना है इस वाले क्वेश्चन में। अब रीसेंट ट्रेंड्स क्या है रेफ्रिजरेंट्स के, तो इन क्लोरीन एलिमेंट, द क्लोरीन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेंट अटैक ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच कैन कॉज कैंसर, हेंस डिप्लीट्स या फिर डिक्रीजेस, दैट मीन्स डिप्लीट्स डिक्रीजेस इट्स थिकनेस, देयर फोर क्लोरीन एलिमेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट्स, देयर फोर द सुटेबल सब्सटीट्यूट्स आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे सब्सटीट्यूट्स हैं क्लोरीन के वाले रेफ्रिजरेंट्स को छोड़ने वाले, ठीक, मतलब नहीं यूज करना, ये कहना चाहते हैं। नाउ डेज द एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स इज R134a। 134a का जो सिमेट्रिक वाला है, ए सिमेट्रिक वाला जो है, ए का मतलब ए सिमेट्रिक है, वो यूज किया जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए गए हैं CHF2 और CHF2, एक ऑप्शन ये है CHF2 CHF2 और एक ऑप्शन है CH2F CF3, तो जो सिमेट्रिक वाला है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, रेफ्रिजरेंट वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती है, एसिमेट्रिक वाले के पास है रेफ्रिजरेंट वाली प्रॉपर्टीज, तो CH2F CF3 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 134A मीन्स CH2 CF3, CH2F CF3 ये कहना है, ठीक। अब बात आती है ODP, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल क्या होता है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में कितने क्लोरीन एटम्स हैं वो उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल होता है, ये कभी कभी पूछ देता है डायरेक्टली वन 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 मार्क्स में। एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस ड्राई कंप्रेशन के क्या क्या है और ओवर वेट कंप्रेशन, तो इसमें होता क्या है कि इतना जो बचा हुआ है वो छूट गया तो लॉस इन आ रही है, वेट कंप्रेशन है तो कंप्रेसर खराब हो सकता है, ठीक है, ये बातें हैं। तो वेट कंप्रेशन रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट वेपराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड हेंस देयर इज लॉस ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट में डैमेज कोरोड कंप्रेशन वॉल्स को कोरोड कर सकता है, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट में वॉश अवे लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज टू इन डिक्रीज फ्रिक्शन इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड कंप्रेसर्स विल गेट डैमेज एंड रेफ्रिजरेंट विल बी कॉन्टेमिनेटेड बाई दी ऑयल, कॉन्टेमिनेट कर देगा ऑयल को भी। क्वेश्चन अराइजेज विच ड्राई कंप्रेशन इज बेटर, कौन सा आपका ड्राई कंप्रेशन बेटर है, या ये वन वाला या फिर वन डैश वाला बेटर है, तो वन वन डैश टू वन बेटर, टू डैश बेटर है, क्योंकि अगर हमको बाउंड्री पे रहनी है तो हम लोग थोड़ा सा आगे रहेंगे ना, खतरनाक किधर है, डोम के अंदर रहना है खतरनाक, तो खतरनाक के जस्ट कोने पे क्यों रहना, बाउंड्री पे क्यों रहना, थोड़ा सा और आगे बढ़ के रहेंगे तो आगे बढ़ के रहना ज्यादा सही है। अब स्लाइड सुपर हीट अच्छा है कि ओवर सुपर हीट अच्छा है, तो स्लाइड सुपर हीट अच्छा है, क्यों, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि वर्क इनपुट जो है कंप्रेसर को वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इनपुट के, टेम्परेचर इनलेट के, तो टेम्परेचर इनलेट देखना है ये भी कि ज्यादा ना बढ़ जाए क्योंकि वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, तो स्लाइट सुपर हीट इज प्रेफरेबल, मतलब बीच वाला लाइन जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है इस केस में। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वीसी साइकिल, पहला क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है, तो डिक्रीज करने पे क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता है, वर्क जो कि इतना लग रहा था अब इतना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है वर्क, तो वर्क ज्यादा लग रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी घट रहा है, इसका ये मतलब साफ साफ है कि सीओपी भी घटेगा। अब सीओपी भी घटेगा, ठीक है, बर्बाद तो हो ही गए और बर्बाद हो रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि प्रेशर रेशियो जो है, प्रेशर रेशियो जो कि कम था
अभी पी टू बाई पी वन जो है वो था, ठीक ठीक था। अब पी टू बाई पी वन डैश है, पी वन डैश छोटा है तो प्रेशर रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया है। सॉरी, प्रेशर रेशियो पहले बोले घट गया, प्रेशर रेशियो बढ़ गया है क्योंकि डिनोमिनेटर घट गया है। तो इसका ये मतलब है कि निगेशन वाला टर्म बढ़ गया है तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक घट गया है। बातें हो गई है, ठीक। सारे के सारे इफेक्ट्स नुकसान वाले ही हैं। अब अगला कि इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर क्या फायदा कर रहा है या फिर नुकसान कर रहा है, तो ये भी नुकसान ही कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कि यहाँ से यहाँ मिल रहा था, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो कम ये भी हो गया है, वर्क इनपुट भी पड़ गया, यहाँ से यहाँ हो गया है, पहले यही था, ये भी बात है। अब ये दोनों घट बढ़ गए हैं तो ये भी घटेगा ही, क्योंकि तो ये फंक्शन है उसका। और प्रेशर रेशियो जो है, अगर ऊपर वाला जो पार्ट है वो बढ़ेगा तो पी टू बाई पी वन तो बढ़ेगा ही, अब निगेशन में जो टर्म है वो बढ़ेगा तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक घटेगा ही। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात ये है, बात ये आती है, क्वेश्चन ये अराइज करता है कि प्रेशर इंक्रीज जो कि इन कंडेंसर में हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है कि प्रेशर इंक्रीज जो इवेपोरेटर में हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये वाला ज्यादा डिक्रीज, सॉरी, प्रेशर इवेपोरेटर में जो डिक्रीज कर रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो प्रेशर इवेपोरेटर में जो डिक्रीज कर रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है या फिर अफेक्ट करेगा सीओपी को, क्योंकि सीओपी के फॉर्मूला में टी लोअर अपॉन टी एच माइनस टी लोअर आता है, तो टी लोअर का ज्यादा फंक्शन है, सीओपी स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। तो इसलिए डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर हैज सीवियर इफेक्ट ऑन सीओपी। सुपर हीटिंग क्या होती है, सुपर हीटिंग में क्या होता है, इवेपोरेटर के केस में हम लोग जो साइज ऑफ कॉयल है, जो कॉयल जो हीट ले रहा था हीट ले रहा था हीट ले रहा था, उसका साइज बढ़ा देते हैं तो एडिशनल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट शो करता है, और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऐड करता है क्योंकि ये इवेपोरेटर के अंदर हो रहा है ना कि इवेपोरेटर के बाहर हो रहा है। तो दिस एड्स टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वी कैन से, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन साइड इवेपोरेटर एंड वी आर डूइंग इट सो बाई इंक्रीजिंग दी लेंथ ऑफ दी कॉइल्स। तो यहाँ पे ऐसे शो करेगा और यहाँ पे ऐसे शो किया जाएगा, पीएच कर्व पे और टीएस प्लॉट पे ऐसे शो किया जाएगा। सुपर हीटिंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये भी बात है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। ऑन रीचिंग वन ड्राई सेचुरेटेड वी इंक्रीज दी लेंथ ऑफ दी कॉइल्स इन इवेपोरेटर एंड वेपर विल सुपर हीट बाई टेकिंग हीट फ्रॉम स्टोरेज, सो दैट्स वाई एडेड टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ड्यू टू सुपर हीटिंग कंप्रेसर्स इनलेट टेम्परेचर इंक्रीज, डब्ल्यू इंक्रीज है, डब्ल्यू इन इंक्रीजेस, लेट सी हाउ, कैसे इंक्रीज कर रहा है डब्ल्यू, कैसे इंक्रीज कर रहा है ये हम लोग देखते हैं अभी। तो ये देखने पे पता चल रहा है हम लोग को कि वी कैन ट्रीट सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट वेपर एज एन आइडियल गैस बिकॉज प्रेशर इज लो, और लो प्रेशर जो है वो पहला रिक्विजिट होता है, क्योंकि अगर हम लोग को किसी भी चीज को आइडियल गैस मानना है तो उसका पहला रिक्विजिट होता है कि प्रेशर लो होना चाहिए। और एडेड रिक्विजिट है, मतलब फायदेमंद फायदा है, और फायदा ये हो जाता है कि टेम्परेचर हाई हो। टेम्परेचर हाई होना एक जरूरत नहीं है, ये एडिशनल बेनिफिट है इस केस में, या फिर किसी किसी केस में सफिशियंट कंडीशन है लो प्रेशर होना, ये बात है, ये बात हो गई। तो कैन बी ट्रीटेड, ये जो रीजन है सुपर हीटेड वाला, यहाँ पे क्या होता है प्रेशर लो होता है, तो ये ट्रीट किया जा सकता है आइडियल गैस के तरीके से। तो यूज्ड इफ रिक्वायर अननोन एंड डेटा गिवन इज अनसफिशियंट, ये इस केस में तब यूज किया जाता है जब जो डेटा है वो अनसफिशियंट होता है फाइंड करने के लिए, या फिर जो टेबल है वो ना दिया हो तब यूज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट एच इज इक्वल टू सीपीटी, ये सारी चीजें आइडियल गैस वाली, सीपीटी हो गया, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया, ये सारी चीजें हम लोग इस केस में लिख सकते हैं। इन रैंकाइन साइकिल वी डिडंट ट्रीटेड सुपर हीटेड वेपर एज आइडियल गैस, क्यों नहीं, क्योंकि उस केस में प्रेशर बहुत हाई था, टेम्परेचर भले ही हाई था, और हमने बताया है कि टेम्परेचर हाई होना एक कंडीशन नहीं है, प्रेशर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, लेकिन रैंकाइन के केस में प्रेशर भी हाई था इसीलिए हम लोगों ने उसको सुपर हीटेड नहीं माना था, ठीक। अब सो वी नो डब्ल्यू इन, ये हो गया, अब हम लोग लिख सकते हैं ये, क्योंकि ट्रीट किया गया आइडियल गैस, टी टू टी वन को कॉमन ले लिया तो ये हो गया, टी वन बाई टी टू बाई टी वन को हम लोगों ने एडियाबेटिक माना है तो ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से
हम लोगों क्या आया, आइडियल गैस का है ना, हम लोग तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो पीवी टू द पावर गामा कैन बी यूज, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम है, चलता हुआ सिस्टम है, क्लोज सिस्टम तो है नहीं, लेकिन तभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये कहने का ये मतलब है, नोट है ये। और प्रेशर रेशियो जो है पी टू बाई पी वन जो है वो इस सेम, एंड रेफ्रिजरेंट सेम, दोनों सेम है, पी टू बाई पी वन सेम है, रेफ्रिजरेंट सेम है, तो जो वर्क इनपुट है वो किसका फंक्शन है, टी वन का फंक्शन है, क्योंकि टी वन जो है ये सेम और ये है, और ये जो दोनों चीजें हैं वो सेम है, क्योंकि सब समान है, सेम है, तो बचा क्या, टी वन बचा ना, तो टी वन का ही फंक्शन है। अब फिजिकल फील क्या है कि फंक्शन क्यों टी वन का है, वर्क इनपुट, क्योंकि टी वन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रैंडमनेस और मॉलिकुलर एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो कंप्रेसर के पिस्टन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस मॉलिकुलर एक्टिविटी को ओवरकम करने के लिए। ठीक, ये बात हो गई। अब एक और बात कि T2 is equal to T1 R to the power gamma minus 1 होगा, adiabatic से, adiabatic और reversible से, reversible adiabatic ideal gas जो properties है उससे क्या होगा कि T2 is equal to T1 R to the power gamma minus 1। अब अगर गामा बढ़ेगा refrigerant का तो T2 बढ़ेगा, और T2 बढ़ेगा तो T2 बढ़ने का ये मतलब है कि temperature difference ज्यादा हो जाना T1 और T2 का, तो work ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, ये बात हो गई, मतलब गामा बढ़ेगा तो डब्ल्यू इन बढ़ेगा, गामा बढ़ेगा तो डब्ल्यू इन बढ़ेगा, ये एक पॉइंट हो गई। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, सीओपी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर ई एंड डब्ल्यू इन, मतलब इस केस में क्या है, पिछला वाला केस जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग सुपर हीटिंग किए हैं, उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है और वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इनलेट बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर इनलेट टू द कंप्रेसर बढ़ रहा है, लेकिन कौन कितना ज्यादा बढ़ रहा है उसके उस पर डिपेंड करेगा कि सीओपी बढ़ रहा है कि घट रहा है। ज्यादा तेजी से अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा तो सीओपी भी बढ़ेगा, या फिर वर्क इनपुट उसके इसमें ज्यादा बढ़ेगा तो सीओपी घटेगा। अब चौथा पॉइंट इस वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि सीएफसी के केस में गामा जो है वो कम है और एनएच3 के केस में गामा जो है वो ज्यादा है, तो गामा लेस होने की वजह से वर्क इनपुट लेस होगा, तो सीओपी जो होगा मोर होगा, किस केस में, वर्क इनपुट कम लग रही है ना, कम लग रही है, इसका ये मतलब है कि सीओपी ज्यादा है, तो सीओपी किसके केस में ज्यादा हो जाएगी, जिस केस में गामा कम है। सही बात है, सब कूलिंग क्या होती है, ठंडा कर देना, इसमें ये होता है ठंडा करते हैं हम लोग। अब सब कूलिंग में देखते हैं, तो सब कूलिंग में क्या होता है कि हम लोग जो कंडेंसर कॉइल्स थे उसका लेंथ बढ़ा देते हैं, कंडेंसर कॉइल का लेंथ बढ़ा देते हैं, तो वो सब कूल हो जाते हैं, जो कि 3 पे रुकने वाले थे वो 3- पे चले जाते हैं, सब कूल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉइल का जो लेंथ है वो बढ़ा दिया रहता है, तो क्यू रिजेक्ट ज्यादा हो जाता है तो सब कूल हो जाता है, और ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है सब कूलिंग भी। तो ऑन रीचिंग 3 वेट लिक्विड द लेंथ ऑफ द कॉइल इन कंडेंसर इज इंक्रीज, सो द रेफ्रिजरेशन लूजेस एक्स्ट्रा हीट, सब कूल एंड देन थ्रॉटल्ड टू 4- वी नोटिस इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ते हुए हम लोग नोटिस करेंगे, बढ़ जाएगा इस केस में। देर इज नो चेंज इन वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, इसका यह मतलब है कि वर्क इनपुट जो है वो रिमेन सेम रहेगा, सीओपी इंक्रीज करेगा क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, तो वर्क इनपुट कांस्टेंट है, तो वर्क इनपुट कांस्टेंट है, ये बात हो गई सब कूलिंग की। वर्क इनपुट कांस्टेंट कैसे है, वर्क इनपुट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाली लाइन ही तो जा रही है ना, ये वाली लाइन ही तो है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, 1 से 2 ही दोनों केस में जा रहे हैं हम लोग वर्क इनपुट के केस में, और यहाँ पे 4 से 1 बढ़ गया है, 4-1 का लेंथ बढ़ गया है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गई है। ठीक, कास्केड रेफ्रिजरेशन देखते हैं, कास्केड रेफ्रिजरेशन में हम लोग को क्या पता देखते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या होता है, हम लोग को चाहिए होता है, अगर हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज्यादा जो प्रेशर है उसके प्रेशर डिफरेंस है उसके बीच में हम लोग काम करें, कंप्रेसर को काम करवाएं, तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है कि प्रेशर रेशियो बढ़ गया है कंडेंसर का, कंप्रेसर का, तो उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बहुत घट जाएगी, तो हम लोग को फायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग 2 ठे लगाते हैं
साइकिल लगाते हैं, एक जो साइकिल है वो 5 से 30 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, -30 से 30 अगर काम करना है, एक जो साइकिल है वो वर्क करती है 5 से 30 के बीच में, एक करती है -30 से 5 के बीच में. तो टू प्रोड्यूस अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स द इवेपोरेटर प्रेशर्स आर लो एंड हेंस प्रेशर रेशियो इज हाई. दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड हेंस टू अवॉइड दिस कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड. ठीक, ईटा वॉल्यूमेट्रिक लेस होता है, इसका ये मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट एंटरिंग दी इज लेस, सो लेस हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सिस्टम, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज लेस. अल्ट्रा लो टेम्परेचर कैन स्टिल बी अचीव्ड, अभी भी अचीव किया जा सकता है. कैसे अचीव किया जा सकता है? करना है तो करना है, तो पाना है तो पाना है, इसका ये मतलब है. कैसे करेंगे हम लोग? दो ठे लगा देंगे, दो ठे लगाए हम कैसे, यहाँ पे Q1 जो है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है क्योंकि स्टोरेज जो है वो यहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस उसको चाहिए मेंटेन करना है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q1 है. ठीक, अभी तक बात तो समझ में आई है. अब बात करते हैं COP कितना होगा. तो COP जो होगा वो होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो Q1 है और वर्क इनपुट W1 + W2 है फॉर कंप्लीट कास्केड सिस्टम. अब हमको अगर COP1 और COP2 के टर्म्स में चाहिए, हम लोग लिखते हैं कि COP1 इज इक्वल टू ये COP1 और ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ है सॉरी, फर्स्ट लॉ फॉर फर्स्ट साइकिल, सेकेंड फर्स्ट लॉ फॉर सेकेंड साइकिल. अब ये होता है, अब W1 और W2 को Q के टर्म्स में लिखना है. तो W1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 को हम लोग लिख सकते हैं ये, W1 को लिख सकते हैं Q1 अपॉन COP1, और W2 को क्या लिख सकते हैं, Q2 अपॉन COP2 लिख दिए. अब Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q2 को भी Q1 Q1 हो गया, Q2 या Q2 को हटाना है तो Q2 को लिख सकते हैं Q1 + W1, Q1 + W1 लिख दिए. एक साथ W1 की जगह क्या लिख सकते हैं, W1 की जगह फिर से लिख सकते हैं Q1 अपॉन COP1. तो यहाँ से लिख दिए Q1 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 कट गया, बचा क्या, बचा ये COP1 × COP2 / 1 + COP1 + COP2 हो गया COP ऑफ कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ठीक, बात हो गई खत्म, कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम खत्म. अब बात आती है हीट एक्सचेंजर का यूज VC साइकिल में कैसे होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेटर के एग्जिट से निकालते हैं और उसको डाल देते हैं कंडेंसर के एग्जिट से, जो हीट आ रही है, जो गर्म गर्मी है 3 में, उसका यूज करते हैं और इसको हीट अप कर देते हैं, इसका जो है हीट गर्म कर देते हैं, इसको टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर से, इनलेट एग्जिट ऑफ कंडेंसर से जो हीट मिलेगी एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर के रेफ्रिजरेंट को, उससे थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा. तो सिंपल साइकिल कैसी होती है, सिंपल साइकिल ऐसी होती है. और यूजिंग हीट एक्सचेंजर के बाद क्या होता है, ये होता है. अब ये वाला जो पार्ट है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो चीज है वो पार्ट नहीं, रोल नहीं प्ले कर रही है अपना, वो अंदर नहीं हो रहा है, इवेपोरेटर नहीं हीट ले रहा है इतना. ये हीट जो हो रहा है वो एक्सचेंज हो रहा है किसमें, हीट एक्सचेंजर में. तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा नहीं इस केस में. तो Green1 जो है, ग्रीन कलर का जो है, हीट इधर से इधर जा रहा है, ना कि ऐड हो रहा है, फायदा हो रहा है. प्राइमरी पर्पस क्या है तब ये यूज करने का, प्राइमरी पर्पस यही है कि सबकूल दी रेफ्रिजरेंट विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है क्या? द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग रेफ्रिजरेट हीट एक्सचेंजर इज टू सबकूल द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विच इज इंक्रीज इन इंक्रीजिंग. अच्छा रुको 1 मिनट, हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए होंगे. यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये वाला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये जो है वो नहीं ऐड करते हम लोग, ये वाला नहीं ऐड करते हैं. लेकिन सब कूलिंग की वजह से जब थ्रॉटलिंग हो रही है तो यहाँ पे जो थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो बढ़ रहा है. ऐसा नहीं, इसको नहीं निग्लेक्ट कर सकते, इसको तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये तो बढ़ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, सही बात है, हम लोग कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है. एट द सेम टाइम रेफ्रिजरेंट इज सुपर हीटेड इन द हीट एक्सचेंजर विच रिजल्ट्स इन ड्राई कंप्रेशन एंड स्लाइट सुपर हीट वॉज डिजायरेबल विच वॉज अचीव्ड. 1-7 गेनिंग हीट फ्रॉम 3-3 से 3 एंड नॉट फ्रॉम स्टोरेज, सो 1-1 नॉट एडेड इन RE. सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE इज इक्वल टू H1 - H4 बट नॉट H1 - H4 बिकॉज 1-1 इज नॉट ऑकरिंग इन इवेपोरेटर एंड दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन हीट एक्सचेंजर. COP क्या है?
सीओपी हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये ठीक। अब ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, सीओपी जो है प्रेम सेम रह रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर सेफ रह रहा है, क्यों, क्योंकि स्लाइड सुपर हीट हम लोग कर दे रहे हैं एग्जिट को, इवेपोरेटर के एग्जिट को हम लोग स्लाइड सुपर हीट कर दे रहे हैं, इसके से फायदा हो जा रहा है, और हम लोग कंप्रेसर में फिर कंप्रेसर डाल रहे हैं जो एग्जिट हीट करके, तो हम लोग कंप्रेसर को बचा ले रहे हैं, ये इसका फायदा है, मेन पर्पज यही है, इज टू सबकूल दी कोएफिशिएंट। अच्छा ठीक है, एक और पर्पज ये है कि हीट एक्सचेंजर जो है वो सबकूल कर रहा है रेफ्रिजरेंट को, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, और कॉस्ट इफेक्टिव अगर सीओपी सेम है तो रनिंग कॉस्ट भी तो सेम है, तो सेम कॉस्ट में ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है, भले ही वर्क इनपुट बढ़ा हो लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा है ना, पैसा तो लग रहा है ना उतना ही जितना लग रहा था पहले। तो एज द हीट एक्सचेंजर इज ए स्टडी फ्लो डिवाइस, स्टडी फ्लो डिवाइस है तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, सही बात है। वी कैन राइट एच वन माइनस एच थ्री फॉर इन सुपर हीटेड रीजन में लिख सकते हैं इसको, इसको सुपर हीटेड रीजन है, सुपर हीटेड रीजन में ये लिख सकते हैं, और लिक्विड रीजन है ये, हीट गेन कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट हीट गेन कर रहा है, तो ये लिक्विड रीजन है, सीपी जिसमें कि सीपी सीवी सी के बराबर होता है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम न्यू बहुत छोटा होता है, तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। अब पीवी जो है, पीवी वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड है, वो बहुत छोटा है, तो एच इज इक्वल टू यू, और यू को हम लोग कभी भी CT लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज रिटन एज U इज इक्वल टू CT, एंड आइडियल गैस है तो U इज इक्वल टू CVT लिख देंगे, C जो भी आइडियल गैस है तो CVT, CT लिख दिए, C वेपर, C लिक्विड, T3 माइनस T3 डैश जो भी है, हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन, हीट लूज कौन कर रहा है, हीट लूज लिक्विड कर रहा है, सॉरी हीट लूज लिक्विड कर रहा है, सही बात है यहाँ पे। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या मिल रहा है कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो हीट गेन, ये जो टेम्प डिग्री ऑफ सब कूलिंग है और डिग्री ऑफ सुपर हीट बराबर है, क्यों, क्योंकि सी वेपर और सी लिक्विड बराबर नहीं, हालांकि हीट लॉस और हीट गेन बराबर है, लेकिन डिग्री ऑफ सुपर हीट और डिग्री ऑफ सब सुपर कूलिंग बराबर नहीं है, सब कूलिंग बराबर नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सी लिक्विड और सी वेपर बराबर हो। तो एज सी लिक्विड एंड सी वेपर इज नॉट इक्वल, so we can't say that degree of subcooling is equal not equal to degree, मतलब we can say that degree of subcooling is not equal to degree of superheat। तो question अगर है कि assumption है कि VC cycle में heat exchanger use किया जा रहा है तो degree of superheat और degree of subcooling बराबर है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। और in VC cycle using heat exchanger, heat loss by the system refrigeration coming from refrigerant coming from condenser is equal to heat gained by refrigerant coming from evaporator, तो ये एक सही है, तो बात बन गई अपनी, ठीक।